हमारा इनाल्सा का बुलेट मिनी चॉपर जो मैंने अभी लिया है, आप इसको देख सकते हैं। 400 वॉट का है, पुश टू स्टार्ट है, यहाँ सब आप देख लीजिए। 500 ml का ट्रांसपेरेंट प्रोसेसिंग बाउल है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। कॉम्पैक्ट एंड स्टाइलिश डिजाइन है, हाई क्वालिटी डबल लेयर SS चॉपर ब्लेड्स हैं, ये देखिए। और यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं ये सब प्रोडक्ट के नाम, क्वालिटी क्या है। 3095 का है, मैंने ये अमेजोन से मंगाया है। मैं प्राइस जितने में मुझे पड़ा है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आइए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले है ये क्या है, वायर है, निकालते हैं इसको अंदर से। क्या चीज है ये, बड़े अच्छे से पैकिंग की है। देखिए पहले ये बबल रैप में है, फिर उसके बाद इसको कितने अच्छे से ऐसे पैक किया हुआ है। ओ वाओ, ब्लेड्स को बहुत अच्छे से पैक किया है ताकि किसी को लगे ना। और उसके अंदर भी ये प्लास्टिक है, कवर, प्लास्टिक कवर चढ़ाया हुआ है, तो वेरी नाइसली पैक्ड। ये बुकलेट है, ये जार है, इसके अंदर देखिए ये फोम लगी हुई है चारों तरफ, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पैक किया है। और बबल रैप है, ये जो मोटर है ना उस पर भी इन्होंने बहुत अच्छे से ऐसे पैक किया है। वाओ, ये इसमें मैनुअल है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल है मिनी चॉपर का। ये इसके पार्ट्स हैं, है ना, सारे पार्ट्स लिखे हुए हैं इस तरह से, तो टाइम वेस्ट ना हो मैं आपको ये बता दूं कौन सा मॉडल है क्या है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। इसके अंदर ये सब लिखा है, क्लीनिंग कैसे करना है, इंस्ट्रक्शंस क्या है, यूजिंग कैसे करना है यूज, है ना, वारंटी का क्या है, तो ये सारा इसमें दिया हुआ है। अब हम इसको खोल लेते हैं। ये हमने इसको बबल रैप में से निकाल लिया है और ये देखिए कितने अच्छे से ये पैक है ताकि ये जो नॉब है ना इसकी मुड़े ना। और साइड से भी देखिए ये सब पैकिंग बहुत अच्छी है भाई, नो डाउट अबाउट इट। तो सबसे पहले क्या है, हम इनके जो ब्लेड्स है ना इसके कवर ऐसे निकाल लेंगे, आसानी से निकल जाएगा। जब भी आप रखें ना इसको लगा के ही रखें ताकि किसी के हाथ में ना लगे। तो पहले हम कर लेते हैं इनको वॉश। वॉश करके हमने इसको सुखा लिया है। अब हम ना ये ब्लेड्स इसके अंदर डालेंगे, यहाँ पे ऐसे जो नॉब दिख रही है ना आपको उसके अंदर ये ऐसे फिट कर देंगे, ठीक है। अब ये जो मोटर है ना इसकी भी ये नॉब है, देखिए आप ये नॉब है, ये इसके अंदर हम ऐसे फिट कर देंगे। पहले हम ढक्कन लगाएंगे, सॉरी, पहले इसका ऐसे ढक्कन लगाएंगे और फिर इसकी नॉब को ऐसे फिट कर देंगे। आप देखेंगे पूरा अच्छी तरह से फिट हो जाएगा, तब हम इसको ना इससे प्रेस करके चलाएंगे, यहाँ से ऑन करेंगे स्विच। और तो अभी मैं सारी सब्जियाँ डालती हूँ, ये परफेक्ट है, हमने ऑन करके देख लिया है। हमने ये प्याज काट के रखी है थोड़ी सी, तो हम इसमें प्याज डाल देंगे और इसको चॉप करके देखते हैं। वायर भी ना इसका काफ़ी बड़ा है, पहले सबसे पहले ये लिड लगाना है और फिर इसको थोड़ा ऐसे इसके फिट करना है, जब फिट हो जाए ना हिलेगा नहीं ये फिर। और ये इसका बटन है, कम ज़्यादा कुछ नहीं है, डायरेक्ट एक पुश बटन स्टार्ट है। तो इसको हम करते हैं स्टार्ट और नीचे से आपको दिखाएंगे प्याज पीसते हुए। तीन बार में ही प्याज बहुत अच्छा हो गया है, तो खोल के देखें। लिड हटाएंगे, बहुत इजी टू हैंडल है ये, देखिए वाओ कितनी बढ़िया प्याज हो गई ये चॉप, है ना। थोड़ा सा हमने साफ कर लिया है, अब हम डाल रहे हैं गाजर छीलने के बाद धोकर अच्छे से पीसेस करके और इसको चॉप करेंगे। और कितना फाइन है देखिए, तीन बार करते ही बहुत अच्छे से हो गया है। और बटन में दिखाऊं, ये बस एक इंप्रेशन टाइप बना हुआ है, इसको आप ऐसे प्रेस करेंगे ना तो चल जाएगा, ये है पूरा लिड जो है ना वो बटन की तरह से है, आप देखिए ये पूरा हिल रहा है ऐसे, है ना। तो यहां से जैसे ही आप प्रेस करेंगे चल जाएगा, तो खोल के देखते हैं। वाओ, तो पहले मैंने टपरवेयर का यूज किया है और डोरी वाला था वो,
डोरी में ना कभी कभी उलझ जाती है या उतना हैंडी नहीं लगता। तो अब आजकल ये चल रहे हैं जो अपना पुश बटन है, इलेक्ट्रिक है, तो ये चॉपर मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए गाजर भी कितनी अच्छे से फाइन हो गई है। ये ले ली है हमने एक शिमला मिर्च जिसको मोटा मोटा काट लिया है, बहुत बारीक काटने की जरूरत नहीं है। और अब नीचे से आपको दिखाते हैं शिमला मिर्च चॉप करते हुए। अब जितनी बड़ी आपको करनी है, ये देखिए कितने बढ़िया से ये चॉप हो गई है। जितनी बारीक आपको करनी है उतनी कर सकते हैं आप, सैंडविच बना सकते हैं, आप पराठे में डाल सकते हैं, है ना बढ़िया। और ये देखिए हम और सारी चीजें भी चॉप कर सकते हैं, पत्ता गोभी कर सकते हैं, लेकिन मैंने वीडियो ज्यादा लंबी ना हो ये तीनों चीजें आपको चॉप करके बताई हैं। मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूं। आप भी ले सकते हैं, कोई ज्यादा महंगा भी नहीं है, 1300 समथिंग का है और वॉट भी इसका 400 वॉट है, तो बहुत ही बढ़िया है। एग्जैक्ट प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये देखिए कितनी बढ़िया सब्जियां बनके तैयार हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने अपने लिए खरीदा था। जैसे मैं अपने लिए कोई चीज़ लेती हूँ तो मैं आपको जरूर शेयर करती हूँ, उसी तरीके से मैंने ये आपको बताया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।